और ऊपर से रैंगलर के अलॉयज है। अच्छा रैंगलर के अलॉयज है। ये सारी वॉइसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा अच्छा सारी अलग अलग। अच्छा ये देखो तुमने। हाँ ये अड़ता है आवाज आई थोड़ा सा। तो यार वो बोलेगा तुम्हारे मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड भाई तुम देख लो। आज मेरे सामने इंडिया की पहली ऑफ रोड हैरियर है, ठीक है। और यहाँ पे अपने आर्यन भाई है ना। आर्यन भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। पहले तो मुझे बताओ आर्यन यार तुम्हें क्यों, क्या तुम्हें मतलब जो हैरियर कंपनी दे रही थी वो पसंद नहीं आ रही थी या अपनी एक अलग से हैरियर स्पेशल एडिशन ऑफ रोड बनाना था, क्या था फील? मतलब वो बात नहीं है, स्टॉक भी अच्छा देती है कंपनी, लेकिन अपने शौक के ऊपर भी बात है। मुझे ना ऑफ रोडिंग का तो इंटरेस्ट है ही, आज के टाइम पर ऑफ रोडिंग बढ़ भी रही है, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी कि ऑफ रोडिंग कुछ करना है गाड़ी में। ऑटोमेटिक है, ऊपर से इसमें इतना सूट नहीं करता, बट पर एक चीज़ है कि यार ये फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब हम दिखा रहे हैं ना, तुम्हें काफ़ी मतलब बंदों ने अप्रोच किया फॉर वीडियो, लेकिन हम पहली बार शूट कर रहे हैं, तो एक तरीके से मतलब मज़ा आने वाला तुम लोगों को, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यार, ये गाड़ी देखो हम शूट तो बड़े नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, अगर अपनी एक्साइटमेंट दिखाऊँ तो भाई मज़ा आ गया। लिटरली जब मैंने तुम्हारी रील देखी थी है ना, तुमने आगे से अप्रोच किया था है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया। और तुम लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जैसे जितने लोगों पे गाड़ी है मॉडिफाइड तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अब बात करते हैं गाड़ी के ऊपर। तो भाई ये गाड़ी पहली नज़र में यार हर किसी को इससे प्यार आता है, मैं भी उनमें से हूँ है ना। मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है, कितने बाहर निकले हुए टायर देख रहे हो। तो भाई मुझे पहले ये बताओ कि यार हैरियर ही क्यों, फिर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर। जब मैंने इसको लिया था ना 2021 में ली थी मैंने। अच्छा। तो उस टाइम पे हैरियर नई आई थी मार्केट में, इतना नहीं था। अच्छा। तो मैंने उसके कुछ टाइम बाद ही से अंदर लॉय जलवाए, मतलब उस टाइम पे एक हाइप में नहीं थी इतनी गाड़ी। अच्छा। मैंने मॉडिफिकेशन करा दी थी। ओके, तो हैरियर लेने का सोचा हुआ था पहले से, फिर और गाड़ी भी देख रहे थे? मैंने देखी थी फॉर्च्यूनर, बहुत आम हो गई थी यार। अच्छा, इसीलिए कुछ अलग लेना था। तो कैसे फिर, क्या पहले अलॉय अपन ने ये लगाया फिर और अलॉय चेंज किए हैं? अच्छा पहले लो, तो क्या कुछ सोच कहीं देखा था ऐसा कुछ? नहीं, मैंने डिसाइड किया था यार, एक तो वाले होते हैं शाइन मारते हैं, मतलब हाँ क्रोम वाले अलॉयज जो कॉमन है, थोड़े बहुत कॉमन हो गए थे, हर चीज मैंने काफी देखा। ऊपर से रैंगलर के अलॉयज हैं। अच्छा रैंगलर के अलॉयज हैं, रैंगलर में डलते बेसिकली। ओके, 17 इंच के इनके टायर बहुत अच्छे, मतलब एक्सेस के 80 टायर्स है ना, तो उस वजह से मैसिव लुक आते हैं यार। एक चीज़ है देखो, ये चीज़ ना लोगों को देखने में बड़ी आम लगती है कि हाँ ठीक है बंदे ने करा दिया है बहुत बढ़िया, ठीक है मेरी गलती की वीडियो हम वायरल भी कर देंगे है ना, वो सब अलग चीज़ है, पर भाई इसमें दिक्कत बड़ी आती है लगवाने में है ना। जरा उस स्ट्रगल कर बात स्टोरी टेलिंग करते हैं प्रॉपर, कैसे कैसे तुम पहली बार तुम कहाँ गए, कौन शॉप में, फिर तुमने कैसे अरेंज कराया, वो बात करते हैं एक बार। ये जहाँ से अश्विन सिंह टगियार ने कराया काम, उसी जगह से इन्फोर्स से काम हुआ। कहाँ से करवाया उन्होंने? गुड़गांव। अच्छा गुड़गांव में। गुड़गांव से हुआ था, उसी जगह से काम हुआ था, मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। उनके अलॉयज तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव हैं, तो वो इसके अंदर डल ही नहीं सकते थे, फिर भी मैंने अच्छा। अपने से हैरियर के मुकाबले से ना बहुत डबल चीज़ ले ली थी। अच्छा। तो इसके अंदर वो भी कह रहे थे कि हम ना एक ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पर एक तरह से। ऑफ कोर्स जस्ट लाइक प्रोजेक्ट कार्ड, प्रोजेक्ट कार्ड ही है उनके लिए, उन्होंने साफ बोला था। मैंने कहा कोई नहीं आप करो इसके अंदर, तब उसके बाद टाइम भी बहुत लगता है, काफ़ी दिन तक गाड़ी खड़ी रही, सब चीज़ हुई है, उसके बाद एडजस्ट हुआ है इसमें। अभी मैंने सस्पेंशन भी करवाने हैं इसके। अच्छा तो कितने के पड़े अपने को ये? ये मेरे को पड़े थे उस टाइम पे इसके साथ 5 अलॉयज और 5 टायर मिला के साथ में। अच्छा, मुझे 2.80 कुछ के पड़े थे। 2.80 KMC ओरिजिनल है। ओके, तो तुम देख लो KMC के ओरिजिनल एलॉय है ये। जैसे हम बात करें बेसिक जो लोग लगवाते हैं एलॉयज में ना, बहुत सारी कंपनी ऐसे है ना, अभी नाम याद नहीं आ रहा, वक्त पे कभी याद नहीं आता कुछ, देख रहे हो ये उदाहरण मिल गया छोटी कंपनी का नाम याद नहीं है, जहाँ से मैंने करवाया था उस पे फ्यूल था, KMC थे, मतलब सारे ऑफरिंग। मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ, KMC इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज फॉर एलॉय है ना, और ऑफ रोडिंग में। ओके, और अगर मैं टायर देखूँ तो टायर अपने ये मैक्सिस के हैं, मैक्सिस के, और ये कितने इंची के अपने एलॉय है? 17 इंच एलॉय सर। और टायर की प्रोफाइलिंग कितनी है? प्रोफाइलिंग अच्छा मैं देख पा रहा हूँ, 255/65R17 तगड़ा एकदम टायर, मोटा लगा रखा है तुमने। तो मैं तो मुझे बताओ कुछ फायदा हुआ लगाने का, मतलब कुछ किया ऑफ रोडिंग वगैरह या फिर शौक ही कर रहे हैं अपन? लद्दाख गई थी गाड़ी। लद्दाख गई थी? अच्छा, तो लद्दाख में ऑफ रोडिंग हुई अच्छे से? ऑफ रोडिंग में यार एक तो जैसे 2x4 है ना, हाँ 2x4 में थोड़ी सी कम ही रह जाती है। ओके, लेकिन मज़ा आता है। मज़ा तो क्योंकि ऑफ कोर्स रिवर क्रॉसिंग वगैरह जो आती है लद्दाख में, जिसमें बहुत डिफिकल्टी हो जाती है लोगों को, तो उधर तो ये बढ़िया से निकल गई होगी रोडी वोडी में, हर जगह से निकल जाती है, इतनी कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, और तुमने कभी ऐसी हरे कोई देखी है अगर हम ऐसे बात करें तो? ऑफ रोड टायर में नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक तो। और KMC में तो मेरे को, मैंने जब लगवाए थे ये फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट है ये, मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया की पहली ऑफ रोड हैरियर है ना। ओके, मतलब टाटा वाले, एक तरीके से टाटा वालों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि देखो भाई ये ऑफ रोड वर्जन हमने निकाल दिया, आप क्या कर रहे हो।
बहुत बढ़िया। तो अब जरा बात करते हैं, देखो एलॉय टायर के अलावा भी तुमने बहुत कुछ चेंज करा है, तो वो जरा बताओ मुझे क्या क्या इसमें चेंजेस करा रखा है। एक तो गाड़ी बुड़ी जेड है। अच्छा जेड ब्लैक। हाँ ठीक है, जेड ब्लैक। अरे अपन डायलॉग मारते हैं बाद में। अच्छा मैंने हेला की लाइट लगवा रखी है सामने वाली। हेला की लाइट लगा रखी है यार, मतलब ओके तो मैं क्या समझूं कि यार तुम बहुत पैसे वाले आदमी हो। नहीं बट क्योंकि यार सारा ही तुमने काम कंपनी का करा रहे। हेला भी टॉप मोस्ट है, मतलब हेला भी बहुत टॉप की है। एक बार जरा फिर थोड़ा दिखा दो इसका ना, वो चेक करते हैं। और हेला की ये ग्रिल ही नहीं कटवाई थी, ओरिजिनलिटी लुक खत्म ना हो। बार लाइट है। अच्छा बार लाइट हेला की है। ओके ओके ऊपर फ्लैशर्स है। अच्छा अलग सायरन दिया हुआ वाले कोड गया, दोनों दो सायरन दिखाओ। जैसे क्या बात कर रहे हैं भाई, सायरन वायरन की। ये कौन सा सायरन है यार? ये कोड का सायरन आता है। ये सायरन फ्लैशर जल रहा है, आज तक नहीं देखा। एक मैं जरा देखूं। अब देखना तुम, यहाँ पे फ्लैशर जल चुके हैं। ओके यार एक चीज है, इस ऑफ रोड हैरियर में ना फ्लैशर से बहुत अच्छा लुक आ रहा है, ठीक है। और आयरन में तुम्हें एक चीज देखो सामने क्या है, पुलिस चौकी। यूपी में गलत चल रहा है मतलब फुल। चलो कोई नहीं भाई। मुझे पहले ये बताओ यार, इसमें जरा फीचर बताओ। ये आपके सायरन वाले जो ये रिमोट है बड़ा यूनिक है ये। इसके अंदर इससे तो फ्लैशर्स मेरे स्टार्ट होते हैं। अच्छा और इससे मोड चेंज होते हैं जितने भी फ्लैशर्स के। हाँ फ्लैशर्स के मोड वो देख लेंगे, ठीक है। और बाकी सारी वॉइसेस हैं ये। एक बार जरा कुछ जैसे ये सारी वॉइसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा अच्छा सारी अलग अलग। अच्छा अपन सुना रहे बंद कर रहे क्योंकि तुम समझ रहे हो, है ना। तो भाई बाहर से हमने ऑलमोस्ट बात किया है या नहीं किया? मुझे लगता है हमने बॉडी गेट्स के बारे में बताया नहीं अभी। जरा वो बता दो बॉडी गेट्स में तुमने क्या चेंज करा है, कौन सी बॉडी गेट्स हैं ये? मैंने आगे की बॉडी गेट, मतलब आज के टाइम पे बम्पर वम्पर तो लगवाना लुक खराब हो जाती है। अच्छा तो लुक भी बनी रहा है और सेफ्टी तो चाहिए, कोई भी कहीं से मार के चले जाता है। हाँ इसलिए ये लगवाया, ये लुक भी अच्छी देता है। हाँ इसको पेंट करना है ब्लैक सिल्वर। ये ABS है। ओके तो ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुम्हारा सबसे जो कंपनी से आता है उससे स्ट्रॉन्ग। तो ये कहाँ से करवाया? ये मेरा लगा था कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट से ऑर्डर किया तो सही रेट पड़ गया होगा। मुझे तो अच्छे पे, क्योंकि मेरे जानने वाले में भी ये हर मतलब हर गाड़ियों में लग सकता है ना, मतलब हैरियर का स्पेशल नहीं है लेकिन। अच्छा। कलर वाला करवा के। तो मतलब तुम सजेस्ट करते हो कि यार अपने बम्पर वगैरह, आप जैसे मारुति की किसी गाड़ी है तो उनको बड़ी दिक्कत आती है ऐसे बम्पर की, तो स्ट्रॉन्ग बम्पर हम ये स्ट्रॉन्ग है वैसे। नॉर्मल बहुत बचा है। अच्छा तो कितने का पड़ेगा तुम्हें फ्रंट और रियर की अगर बात करें? फ्रंट और रियर मेरे को दोनों मिला के पड़े थे कुछ 9:30-10 ना, वही क्योंकि कश्मीरी गेट में जानकारी भी तुम्हारी होगी इसलिए। रियर अगर बात करें तो मैं देख पा रहा हूँ डिफ्यूजर, डिफ्यूजर ही है ना फिर? ये आर्टिफिशियल है। क्या है ये, मतलब मैं सब क्योंकि लुक तुमने चेंज किया है थोड़ा सा ना। नहीं चेंज नहीं है, ये वाला बस ये एक्स्ट्रा है ना। अच्छा बस। पर एक चीज तुमने जो माइन्यूट चेंजेस करे ना अपने हैरियर में, इससे क्या है कि यार थोड़ा जैसे जो ध्यान से देखेगा ना, ऑफकोर्स जो तुम जैसे सड़क से निकल रहे हो तो बंदे तो समझ ही पाएंगे कि यार हैरियर थी क्या, ये क्या बवाल चला गया। लेकिन अगर वो ध्यान दे तो पता लगेगा कि हाँ कितने माइन्यूट टेस्टफुल तुमने चेंज कर रखा है। करवाने को तुम रैप भी गा सकते थे, करवाने को पूरा बम्पर कस्टमाइज कर सकते थे। बोला रैप के, बट ओरिजिनलिटी में जो बात रहती है ना, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कराया। अच्छा बस बेसिक बेसिक कराया है जो अच्छा लगता है गाड़ी में यार, भरा भरा अच्छा नहीं लगता ना, जितना है उतना अच्छा है। ये चीज़ तो है। बाकी मैं देख पा रहा हूँ यादव भाई ने यादव की ब्रांडिंग कर रखी है फुल, प्राउड यादव। और हिंदू है सबसे पहले, हिंदू गुड। और अब जरा गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आ रहा है इसमें। और टॉप मॉडल थी भाई ये? हाँ, टॉप मॉडल है। मैं मेन चीज देख पा रहा हूँ भाई, ये जो अपना हैंड ब्रेक है ना, ये मैंने सफारी में देखा था। ये हैरियर और सफारी दोनों में आता है, यही मेरी एक मेन अट्रैक्शन थी इसके लिए खरीदने की ना। हाँ। मतलब इसका हैंड ब्रेक ही थोड़ा हाँ। जेट वेट में आता है। वही 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 यार, मुझे पहले ये बताओ कितना प्यारा लुक है इसका। ये टॉप मॉडल ना बेसिकली, ये मतलब सच में रेंज वाला फील दे रहा है अंदर से ना, सच में यार। तुम देखो पैनोरामिक प्लस सनरूफ भी होगा ना इसमें, ये खुलता होगा ये वाला? ये खुलता है ना इस तरीके से, ये देखो पूरा ऑटोमेटिक खुल जाएगा ये। क्या बात है यार, मैं जरा अपनी सीट को एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो ये बस। अंदर से ये जो वुडन फिनिश है ये भी करवाया है? नहीं, ये कंपनी देती है। ये कंपनी देती है, मतलब अपन ने इंटीरियर से ज्यादा कुछ चेंज नहीं कराया इंटीरियर में काम। ओके और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एमिटी रोशनी का तुम्हारा कार्ड पड़ा हुआ है। अपन एमिटी से फुल, मतलब आजकल एमिटी वाले भी देख लो फुल कल्चर को बढ़ा रहे। जेड ब्लैक जो भाई आपने करा रखा है, मैं जेड ब्लैक को सपोर्ट नहीं करता, तुम भी सपोर्ट
तुम सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मैं सपोर्ट नहीं करता, बट जेट ब्लैक में मतलब कभी करा लो कभी हटा लो, शूट के टाइम पे ज्यादा करा लिया सिंपल है हट जाएगा। हाँ ये तो है, मतलब तुम वैसे लेके नहीं घूमते। हाँ मैं देख रहा हूँ यार पूरी 100% तो नहीं है ये, 100 है। अच्छा 100 है, बाहर से देखो 100 है, अंदर से नहीं लगा। ओके, और एक चीज बढ़िया कि तुमने फ्रंट में ना नहीं करा रखा, बहुत सही, ड्राइविंग में दिक्कत ना है, बहुत दिक्कत आती है। सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है गाड़ी में बैठते ही। और सबसे मेन देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम रोड के बीच में शूट करते हैं, ऐसा क्यों? भाई एक बार आसपास दिखाओ, आप दिखाओ कोई भी गाड़ी है यहाँ पे, इधर दिखा दो, कोई भी गाड़ी नहीं है। मतलब हम यार अब दिल्ली में ना, दिल्ली एनसीआर में खाली लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल वाली बात है। अगर इसमें भी मैं अपना चैनल रन कर रहा हूँ, वो भी मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाइड गाड़ियों का ओनरशिप रिव्यू लेके, तो बहुत मुश्किल से लोकेशन मिलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा मेन रोड के बगल में शूट करना होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अच्छी ये जैसे शांत लोकेशन है वहाँ शूट कर रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या सपोर्ट करना है, हम किसी मेन रोड पर ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं करते। और ऑफकोर्स मेन रोड पर अपन शूट भी नहीं करते जहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही है ना, और कर भी रहे तो परमिशन के साथ कर रहे हैं, जो अगला लेके आए हैं यहाँ पे उनकी परमिशन होती है, प्रॉपर परमिशन लेके हम शूट करते हैं, ठीक है? तो इस चीज की टेंशन मत लिया, अगर तुम जानते हो तुम्हारा मेन गर्ल रिस्पॉन्सिबल इनफ है, मतलब इतना भी नहीं पर हाँ इनफ रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए, ठीक है? बाकी बातें बहुत हो गई, अब जरा इसको डी मोड पे डालते हैं। भाई ये पूरा पता कैसा फील दे रहा है, जैसे वो थार की आप थोड़ी सी ना ऊंचाई जो है ना वो नीचे कर दो, ठीक है? आप जरा सीट बेल्ट पहनो भाई, उससे पहले ना ये टूटू ना दिक्कत करते रहता है ऑफकोर्स, और आपको पहनना ही चाहिए, पहनते ना सीट बेल्ट, बहुत जरूरी भाई। जिस तरीके से ग्रिप बना के चल रही है ना, लिटरली ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कोई ऑफ रोड व्हीकल जैसे थार वगैरह में बैठा हूँ मैं, थार की ऊंचाई आप नीचे कर दो और थोड़ा वैसा फील तो आ रहा है, ठीक है? अब अगर बात करें पब्लिक रिएक्शन की, पब्लिक रिएक्शन कैसे आते हैं, हेड टर्नर्स आते हैं इस गाड़ी को देख के? पब्लिक रिएक्शन तो मेरे को रोक रोक के लोग बोलते हैं भाई बहुत अच्छे लगवा रखे हैं, बहुत जैसे कई घड़ियों की फोटो खींच लेते हैं, मतलब अच्छा लगता है अंदर से भी बहुत। अच्छा आते हैं, बहुत। और कहीं ना कि मतलब जैसे मैंने बताया कि पहली बार ये देखो यूपी में कैसे चलाते हैं, पहली बार यूट्यूब पे ये गाड़ी आ रही है, तुम लोगों को यार देखो इस वीडियो को ना अभी ही लाइक मार देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, भाई का इंस्टाग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा फॉलो करना, क्योंकि भाई रील वगैरह भी डालते रहते हैं ना, और साथ साथ कमेंट करना है बढ़िया से कि तुम्हें हैरियर कैसी लग रही है, ठीक है? ऑफ रोड हैरियर मजा आ गया, ऐसे भाइयों की तो नीड होती है हमें यार, जो खतरनाक काम करे, है ना? और ये देखो तुमने, हाँ, ये अड़ता है, आवाज आई थोड़ा सा, तुम्हें आवाज आई होगी थोड़ी सी, है ना? तो पूरे पूरा टर्न में ना अड़ेगा, और वो अड़ेगा ही यार ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई आपने सस्पेंशन का काम नहीं कराया, नहीं कराया, तो ये क्या क्या सोचो कब तक कराओगे आप, क्योंकि सस्पेंशन जरूरी है। हैरियर ना टाटा कोई भी रेसिंग मॉडल नहीं बनाता, हाँ। तो हैरियर के सस्पेंशन ना अलग से बनवाने पड़ेंगे, आयरन मैन मतलब कोई भी कंपनी होगी उसको अलग से डिमांड देनी पड़ेगी। ओके ओके, मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यार आप जो भी काम करा रहे हो वो कंपनी से और ओरिजिनल ही करवाओगे, है ना? मतलब गाड़ी से अपन ऐसे पंगे नहीं लेते कि यार कहीं से भी करवा लिया कुछ भी लगवा लिया, नहीं, लॉन्ग टाइम और बढ़िया कंपनी से। तो कंपनी से आप मतलब प्रॉपर सस्पेंशन बनवाओगे इसका, ये कब तक हो जाएगा फिर अपना? ये मेरे को अभी 2-3 महीने तो लगेंगे, क्योंकि बात चल रही है, मना कर देते ज्यादातर तो कि हैरियर है तो मुश्किल हो जाएगा, फिर इस चक्कर में फिर मैंने कहा मुझे भी दिक्कत होगी, इस वजह से सस्पेंशन चाहिए गाड़ी के लिए ना, टायर हैवी हो गए ना, सस्पेंशन की जरूरत पड़ती है। तो यार एक चीज बताओ, इस गाड़ी जैसे मैं देखता हूँ थार वार में लोग क्या होते हैं, फुटपाथ वगैरह कुदाते हैं, अलाउड नहीं है और करना भी नहीं किसी को, ठीक है? पर मैंने रील्स वगैरह में 2-3 बार देखा है ऐसे, तो मुझे लगता है कि यार ये गाड़ी भी आराम से उसको सलाम करना चाहूंगा यार, मतलब ये ऐसे बहुत कम देखने मिलता है। तुम जैसे बंदे ना बहुत यूनिक काम पे प्रेफर करते हो, पर सोबर एंड सटल, ज्यादा यूनिक में भी चटक नहीं है ना, भरना नहीं है। हाँ, तो ये आपकी पर्सनालिटी दर्शाता है भाई, ठीक है? तो चलो इसी नोट पे वीडियो को भी एंड करता हूँ भाई। सबसे मेन भाई, आपके पास हैरियर को लिए अराउंड मैं मान सकता हूँ 1.5-2 साल हो गए, है ना? तो आप जरा बता दो कुछ नेगेटिव पॉइंट तो होंगे। हाँ, जैसे आपको लगा होगा पैर अड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ यार, ये सबसे नेगेटिव। हाँ यार, अरे ये मेरे ख्याल से टाटा की बड़ी वायरल बात है ना ये, कि पैर यहाँ पे अड़ता है, लेफ्ट पैर, ये मैंने सुना है कहीं वीडियोस में बहुत आया, और ये सुना भी नहीं, ये सबका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, बाकी मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगती, देखो गाड़ी सबको प्यारी है। ब्रेक्स में अलॉयज के बाद में थोड़ी सी पावर कम लग गई है, वो तो चलो वरना मुझे नहीं लगती, लग जाते हैं आराम से, बहुत प्यारे लगते। और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं,
बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच का ही। सेफ्टी देखो, सेफ्टी तो सबसे मेन होती है, सेफ्टी टाटा में मिल रही है और क्या ही चाहिए। तो भाई के हिसाब से ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है जो है भाई ने बता दिया। चलो वीडियो पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ज्यादा कमेंट कर देना, बताइए व्हाट्सएप से लेना। और सबसे मेन अगर तुम लोग मॉडिफाइड गाड़ी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मास्टर आईडी ताकि मुझे फोटो भेजो, कोई भी गाड़ी पसंद आ रही है इंस्टाग्राम पे या तुम्हारे दोस्त के पास है जरा मुझे उन सबकी फोटो भेज दो, मिल के साथ में चलेंगे तुम जानते हो, है ना। चलो एंड करते हो, भाई को इंस्टा फॉलो करना, भाई आपकी आईडी क्या है जरा बता दो। @AARYYAAAN मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, वही सही रहेगा, है ना। चलो एंड करते हैं, तो यार मैं भी यही गलत बताऊ से अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट।